आज वर्तमान में देश के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार को देखते हुए अंधविश्वास के द्वारा जनता के ऊपर हो रहे अनाचार के कारण दिल में दर्द भर गया और जीवन में उबन भर गया, जिसके कारण मुझे बहुत ही मजबूरी में आकर लेख लिखना पड़ा, जिसका मुख्य कारण यह रहा कि घोर तपस्या एवं अनेक मतों धर्मों में जाकर वक्त गंवाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि यह रास्ता सिर्फ आस्था के नाम पर जीवन नरक बना रहा है। उसी उबन का परिणाम है कि मुझे कलम जीवन में दोबारा उठाना पड़ा। पढ़ाई छोड़े लगभग 45 वर्ष से ज़्यादा हो गया, अब मुझे लेख लिखने की आवश्यकता पड़ी। समाज की दुर्दशा देखकर गहन अध्ययन के बाद समाज में जो विघटन है उसे देख कर लिख रहे हैं। यदि किसी के आस्था पर आँच आती है तो हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि इस लेख का शीर्षक ही ऐसा है कि हमें लिखना पड़ रहा है। मुझे कहने या लिखने में शर्म नहीं है, मैं सिर्फ हिंदी भाषा की जानकारी है। शेष किसी भाषा में यदि मैसेज आता है तो हमें दूसरे से मदद लेनी पड़ती है, अतः आप हिंदी में कोई संदेश भेजें, हम अवश्य आपके संदेश का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारी आपसे अनुरोध है कि शांतिपूर्वक जनता जनार्दन अपने विचारों को व्यक्त करें ताकि समाज में शांति कायम रहे, क्योंकि देश के अंदर जो कूटनीति वाले हैं वह अपनी चाल से सभी को नचा देंगे। इसलिए अराजक तत्व से सावधान रहें, क्योंकि इतिहास गवाह है कि देश को विदेशी नहीं लूटे बल्कि कूटनीति वाले स्वार्थ में लुटवा दिए। ऐसे लोग आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं और वक्त का इंतजार कर रहे हैं। लड़ने के लिए सावधान रहें। सत्यमेव जयते।